चलिए, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले दो वीडियो में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, या फिर आप बोल सकते हो हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन प्रकार की रिएक्शन देखनी है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, ये रिएक्शन हमें देखनी रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसका मतलब आपको बताएंगे, उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं वो आपको बताएंगे, और जो दो प्रकार इसके जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन को अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो नोट्स रहेंगे ये आपको अवेलेबल करवा रखे हैं हमने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लिया करो नोट को। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आप नोट के लिए टाइम क्यों नहीं देते हो, स्क्रीन को स्टॉप क्यों नहीं करते हो। तो यार ये आपके ऊपर है कि आप लोग नोट किस तरह से बना रहे हो। ठीक है, स्क्रीन को स्टॉप करके आप लोग कर लिया करो नोट अपनी कॉपी में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, आपको हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था। ठीक है, याद है आप सभी को, जब बेसिक पढ़ा रहे थे तब आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस का लवर। ठीक है, लवर, न्यूक्लियस लवर मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भैया, तो प्रोटोन होते हैं। प्रोटोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के ये लवर होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आप सभी लोग जानते हैं। तो अब देखिए, अब आप लोग देखेंगे अगर आपसे पूछे कि बताओ पॉजिटिव चार्ज का लवर कौन होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वही तो पॉजिटिव चार्ज के लवर होते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। आया समझ में सबको? तो हम लोग यहाँ पर बात किसके बारे में करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे उनकी हम लोग बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझते हो आप सभी लोग, सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे ए है हमारे पास, एक बी है हमारे पास, तो ए की जगह पर अगर बी आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी यहाँ पर। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसके दो प्रकार होते हैं मेनली। ठीक है, मेनली आप बात कर रहे हैं तो SN1 और एक होता है हमारे पास SN2। ये दो प्रकार के रिएक्शन हम लोग ज़्यादातर स्टडी करते हैं, इसके अलावा भी होती है। ठीक है, चलिए तो SN1 और एक हमारे पास होती है SN2। SN1 हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये हमारे पास कौन सी होती है, सेकेंड ऑर्डर होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, कहाँ पर पढ़ाई थी हमने, केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाई थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये जो होती है, होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप चाहो तो एक डिफरेंस तो यही हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, तो आपको इसके बीच में डिफरेंस भी करवाएंगे। उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में इसको लिखना रहता है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो एक एक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग SN1 देखेंगे, उसके बाद SN2 देखेंगे। ठीक है, तो SN1 स्टार्ट करते हैं। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे यूनिमोलिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, भैया हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, अगर पाना चाहो तो सब कुछ है, ना पाना चाहो तो कुछ भी नहीं है। चलो मोटिवेशन के बाद बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेलो एल्केन की। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 3 डिग्री हमारे पास हेलो एल्केन है। 2 डिग्री नहीं लेंगे, 3 डिग्री से काम चलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिग्री, ये क्या है हमारे पास 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन, तो ये हेलो एल्केन है हमारे पास। अब ये जो 3 डिग्री हेलो एल्केन है, ओके,
अब इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करवा दो, वाटर के साथ करवा दो। वाटर क्या होता है, एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। ये बात आप लोग जानते हो ना, बेस क्या होती है, एच और OH होता है। तो ये जो OH यहाँ पर जो OH है ये क्या होता है, वीकली होता है, ठीक है। तो ये बात है, चलिए तो इतनी बात तो आप लोग समझते हो, ये वीक बेस है हमारे पास। अब आगे देखो आप लोग, यहाँ से ये हम लोग क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं, ठीक है, अंदर की कहानी देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं मैकेनिज्म, तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर, या फिर बोल सकते हो आप लोग SN1 का, ठीक है। इसको भी क्लीन कर देते हैं, हम लोग SN1 का मैकेनिज्म देख रहे हैं। अच्छा ये भी क्लीन हो गया क्या, चलो लिख देते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब अंदर की कहानी, अंदर की कहानी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ये देखिएगा तो अब क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, सबसे पहले स्टेप यही होती है, जो ये होता है ना, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो किस में ब्रेक होगा, ये इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। तो पहली जो स्टेप है हमारे पास वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। ये देखिए आप लोग, यहाँ से Cl- बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये स्टेप होती है पहली। तो हम लोग पहले स्टेप को क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, पहले स्टेप को हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारी होगी ये वाली, ये हमारी स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये होता है हमारे पास पहले स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया, ये जो सी एल माइनस था इससे अलग हो गया, बाहर हो गया। अच्छा तो ये हमारी पहले स्टेप हो गई। दो स्टेप हम लोग करेंगे, दो स्टेप में इस मैकेनिज्म को फिनिश कर लेंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकेटाइन हमारे पास बन गया, इसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये पढ़ा रखा है आपको कार्बोकेटाइन। ओके तो ये हो गया हमारे पास कार्बोकेटाइन। तो पहले स्टेप में हमने कार्बोकेटाइन बनाया। अब ऐसा बोला जाता है जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है वो हमारी रेट डिटरमाइन स्टेप होती है, या फिर आप बोल सकते हो स्लो स्टेप होती है कंपेरेटिव टू अदर, ठीक है। अगर दूसरी स्टेप से आप कंपेयर करोगे तो ये इसके कंपेयर में स्लो मिलेगी आपको, ठीक है। RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हमारे पास जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, ठीक है। जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप, ठीक है। तो ये हमारी स्लो स्टेप है। चलिए तो इसी से हम लोग रेट का डिटरमिनेशन करेंगे। अगले स्टेप क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या बन चुका है, अगर आप लोग देखोगे तो कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के ऊपर अब अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा भैया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसका अटैक करवा देंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3, ये हमारे पास बना था, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अच्छा ये बात है, तो हम इसके ऊपर अटैक किसका करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल करवाएंगे। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल एक तो ये है, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल तो हमारे पास यही है। अगर इसी का अटैक करवा दिया तो क्या मतलब निकलेगा, फिर से यही बन जाएगा। तो इसका अटैक तो हम लोग करवा नहीं सकते, मतलब सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास वाटर है, वाटर किस तरह से होता है, एच और OH के फॉर्म में होता है, एच और OH के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो एच OH है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब आप इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस ऊपर आपको दिख रहा है, ये Cl माइनस के साथ इसको घेर लेता है, ठीक है, अंदर की कहानी आपको बता रहे हैं बिल्कुल। ये क्या करता है, ये Cl माइनस को घेर लेता है, अंदर बहुत सारे H प्लस होते हैं तो इसको घेर लेता है Cl माइनस, क्योंकि अब तुझे नहीं जाने देंगे, अब तुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे, ये कौन बोलता है, H प्लस बोलता है, ठीक है। ये इसको क्यों, क्या किया इन्होंने, इसको एक सर्कुलर फॉर्म में घेर लिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो Cl- है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, वो चाहे तो वापस इसके पास आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज इसको भर भर के मिल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको H+ घेर लेता है कि भैया तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। ओके तो ये होता है। तो आप सिंपल भाषा में ये बोल दो कि इसके साथ इसने रिएक्शन कर ली और क्या बना दिया, HCl बना दिया। H+ और Cl- क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो HCl। चलिए उसके बाद ये समझ में आया कि क्या किया इसने, H+ ने इसको घेर लिया, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर प्रोटिक, तो जो हमारे पास वीक बेस है, जिसको हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, वो एक तरह से क्या है, पोलर प्रोटिक है। पोलर मतलब पोल्स बनाना, सबसे पहले तो यहाँ पर पोल्स बनाए H+ और OH- के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, इसने इसको प्रोटेक्शन दी, Cl- को प्रोटेक्ट कर लिया कि भैया तुम कहीं मत जाओ।
ओके, इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। आया समझ में पोलर प्रोटिक का मतलब? ये सब पॉइंट है जो कि आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक है, अभी से आपके बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कौन करेगा बताइए? OH माइनस करेगा। OH माइनस यहाँ पे तो सही, यही अटैक करेगा इसके ऊपर। तो OH माइनस अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होगा? अगर OH माइनस इसके ऊपर अटैक कर देता है तो ये जो है कार्बोकेटाइन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, यही होता है OH को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, 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 COH, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनता है, वीक न्यूक्लियोफाइल हम लोग लेते हैं, 3 डिग्री हेलो एल्केन हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका रीज़न आपको बताते हैं, ठीक है, ये कहानी आपको पूरी समझ में आ गई। अब आपको ये बताते हैं कि हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री हेलो एल्केन यूज़ क्यों करते हैं, 3 डिग्री हेलो एल्केन यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री या 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, ये दोनों स्टेबल माने जाते हैं। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो हमें कार्बोकेटाइन बनाना था, इसलिए हमने 3 डिग्री क्या लिया, 3 डिग्री हेलो एल्केन यूज़ किया। ओके, तो सारी चीज़ समझ में आ गई, अच्छे से देख लो इसको, समझ लो, कुछ नहीं किया हमने, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाया, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया। ओके, अब आपको इसके पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट्स आपको बता देते हैं। आपको कोई 4 पॉइंट्स याद करने रहेंगे, ठीक है, आपको कोई 4 पॉइंट याद करने रहेंगे। पहला पॉइंट तो आपको समझा दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, अच्छा फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप इज द रीडिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, तो पहली जो स्टेप होती है वो रीडिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ये आपको बता दिया। सेकंड जो होती है हमने लिख रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है पूरा। ओके, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद है फेवरेबल फॉर 3 डिग्री 2 डिग्री अल्काइललाइट। अब ये जो रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइललाइट के लिए होती है। मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बात हमें थर्ड पॉइंट में बताई जा रही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है SN1 SN2 को, आप लोग आगे देखोगे तो आप लोग इसको याद कर सकते हो कि ये क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहाँ से रिलीज होती है। चलिए आगे हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, वी टेक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये आपको बता रखा है जो वाटर है हमारे पास, ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब तोड़ना, H और OH को आसानी से ये ब्रेक कर देगा। उसके बाद ये जो H प्लस है, यहाँ से H प्लस बनेगा, ये Cl माइनस को घेर लेगा, इसका मतलब होता है पोलर प्रोटिक, ठीक है, प्रोटेक्शन दे देगा ये। उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारे पास, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7th वाला, द न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक इन नेचर। तो ये जो हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है जो कि वीक नेचर का है, आप चाहो तो वीक बेस भी लिख सकते हो, ठीक है, वीक बेस आता है हमारे पास। और आगे आप चाहो तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, SN1 रिएक्शन प्रोसीड विथ रेस्मराइजेशन। ये जो हमारे पास SN1 रिएक्शन है, ये हमारी SN1 रिएक्शन SN1 जो रिएक्शन है हमारे पास वो रेस्मराइजेशन के साथ प्रोसीड होती है। रेस्मराइजेशन का मतलब होता है इन्वर्जन एंड रिटेंशन, ठीक है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है, ये जो Cl- है, अच्छा इससे हम लोग समझा देते हैं आपको। OH- जो यहाँ पर है, ये OH- चाहे तो यहाँ से इसके साथ जुड़ सकता है या चाहे तो यहाँ से पीछे से आके इसके साथ जुड़ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 3D फॉर्म में होता है, हमें तो कॉपी में 2D फॉर्म में दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये 3D फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है, आया समझ में, इन्वर्जन और रिटेंशन का। इन्वर्जन मतलब उल्टे साइड से अटैक, रिटेंशन मतलब सीधे साइड से अटैक। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो तो क्या कहलाता है, रेस्मराइजेशन कहलाता है। ये आप क्लास 11th में पढ़ते हो, लेकिन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर समझा दिया, ठीक है। सीधे तरीके से भी अटैक कर सकता है, उल्टे तरीके से भी अटैक कर सकता है, इसको बोलते हैं रेस्मराइजेशन, दोनों साइड से अटैक होता है। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होगा, SN2 में ना तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ना तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे हम लोग, ना ही वहाँ पर रेस्मराइजेशन होगा। तो क्या होगा SN2 में, अब उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ओके। तो आगे हम बात करेंगे SN2 के अंदर क्या होता है। SN1 की कहानी पूरी हमें अच्छे से समझ में आ गई, SN2 की हम लोग बात करते हैं।
चलिए तो इसको भी हम लोग कहाँ समझेंगे, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर समझ लेते हैं। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, ये रही हमारी ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, तो एसेंट टू रिएक्शन हम लोग समझने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, एसेंट टू रिएक्शन, एसेंट टू रिएक्शन, एस एंड टू रिएक्शन। ठीक है, समझ में जाएगा आपको एस एंड टू के साथ। एस एंड टू का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर। ठीक है, चलिए तो टू का मतलब यहीं से आप लोग समझ जाइए कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, पहले स्टेप में हमें लेना है, पहले स्टेप में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग लेंगे भैया 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, सी एल लगा लेते हैं, यहाँ पर एच लगा लेते हैं, यहाँ पर एच लगा लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर मिथाइल हेलाइड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको भी हम लोग 1 डिग्री ही बोल देते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी 1 डिग्री ही होता है। ठीक है, इसे बोलने को इसको बोलते हैं कि मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री भी बोल सकते हो, क्योंकि 0 डिग्री कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग CH3 यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, चलिए आगे क्या होगा, आगे इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है। पहले हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग वाटर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेना है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जिसके साथ एक तो मेटल लगा हुआ हो, तो ये मेटल हो गई हमारे पास, ये OH हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, चलिए तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो वो आपको समझने की बात है। अब होता क्या है, यहाँ से ये फ्री होता है, यहाँ से ये टूटता है। ठीक है, तो ऐसा हमने कहाँ देखा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था, फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलना चाहिए हमें, SN1 बोलना चाहिए, SN1 में देखा था। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे क्या होगा, आप इसी को देखिए, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH, अच्छा ये क्या बना दिया हमने, ये क्या बना दिया, इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। ठीक है, ये रहेगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, होगा क्या, होगा क्या, यहाँ पर इसको कलर चेंज करके यहाँ से बताते हैं। ये जो हमारे पास NaOH, ये किस तरह से ब्रेक होगा, Na+ और OH- में ये ब्रेक हो जाएगा, Na+ और OH- में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो OH- है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा अटैक करने। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए, ये जो OH- है, ये यहाँ जाएगा अटैक करने के लिए। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा थोड़ा सा, यहाँ पर नेगेटिव जनरेट होगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होंगे, ये ब्रेक नहीं होंगे। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि स्टेबल नहीं होता है, तो ये ब्रेक अभी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये अटैक करने गया, इसको यहाँ पर मिला Cl-, तो ये भी OH-, ये भी Cl-, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये बोलेगा भैया तू यहाँ से अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ से रिटेंशन नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे साइड से आप अटैक नहीं कर सकते, ये जाएगा फिर पीछे साइड से अटैक करने के लिए, पीछे साइड से अटैक करेगा, पीछे साइड से अटैक हो जाएगा, पीछे साइड से अटैक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से अटैक हो जाता है, मान लो OH- का अटैक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ तो 5 बॉन्ड बन जाएगी कार्बन की, और ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 5 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि धीरे धीरे अटैक हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अटैक हो रहा है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर OH- आता जाएगा। ठीक है, इसके साथ अच्छे से रिश्ता बनाएगा। ठीक है, इससे दोस्ती करेगा सी के साथ, कार्बन के साथ OH-, जैसे इसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी, यहाँ से दोस्ती टूट जाएगी, यहाँ से इसकी जो पक्की दोस्ती थी इसके साथ, यारी दोस्ती थी, ये टूट जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, धीरे धीरे करके OH- इसके साथ दोस्ती बनाएगा, और यहाँ से इसकी दोस्ती धीरे धीरे, मतलब डॉट डॉट से बना रहे हैं हम लोग, डॉट 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 Cl, ये इसके साथ दोस्ती टूटती जाएगी। अब इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, आया समझ में, ये होती ट्रांजिशन स्टेट। ओके,
तो ये जो स्टेप होती है, जो पूरी रिएक्शन होती है SN1, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, एक ही स्टेप में, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेप बहुत कम समय के लिए बनती है, ठीक है, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही बनेगी, उसके बाद आगे क्या होगा यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा कि इनकी दोस्ती कार्बन की दोस्ती Cl के साथ टूट जाएगी, ठीक है, कार्बन की दोस्ती Cl के साथ टूट जाएगी। तो यहाँ पर बना लेते हैं, तो होगा इस तरह से कुछ यूं, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3 हमारे साथ चल रहा था, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर Cl- बाहर हो जाएगा। अब जैसे ये बाहर निकला, Na+ जो होगा वो इसके लिए बैठा हुआ है कि कब ये बाहर निकले, Na+ आएगा इसके ऊपर अटैक कर देगा, ओके, तो ये बात है, तो इसके ऊपर ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। ये बैठा है Na, जो Na+ है जो बैठा हुआ है बाहर, कब Cl- आया और कब हम लोग इसके ऊपर अटैक करें, तो यहाँ पर Cl बन जाएगा। आया समझ में? तो ये स्टेप हमारी होती है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या बात बताओगे, पहली बात आप लोग बता देना कि ये तो कौन सी हमारी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर वीक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, वेरी सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए फिजिबल होता है, 3 डिग्री हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर 3 डिग्री यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर कार्बोकेटन बन जाएगा, कार्बोकेटन बन गया तो ये तो SN1 हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। और क्या बताओगे आप लोग, बस यही बातें हैं जो आपको बतानी रहेगी। यहाँ पे आप लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हो, ठीक है, ज़रूरत नहीं है पोलर प्रोटिक की, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात है हमारे पास, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप आ जाइए, स्क्रीन आपको शेयर कर देते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, SN1 में ये पॉइंट आपको लिखने रहेंगे, ठीक है, इस तरह से आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, कार्बोकेटाइन यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद आप लोग आगे लिख लीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, होल मैकेनिज्म कंप्लीट इन ओनली 1 स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग मानते ही नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम लेती है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये यूज़ करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस रिएक्शन इज वेरी मच फिजिबल फॉर 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री भी आप लोग मान सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा एग्जांपल तो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री के लिए या फिर मिथाइल हैलाइड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देयर इज ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 7th पॉइंट में आप लोग ये लिख दीजिएगा, 8th पॉइंट में आप लोग लिखेगा ओनली इन्वर्जन, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, उल्टी साइड से अटैक होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग यूज़ करते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर होगा हमारे पास मैकेनिज्म, ठीक है, तो मैकेनिज्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्या लेंगे हम लोग, और क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, SN1 के लिए, SN2 के लिए क्या होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये आप लोग पढ़िएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा।